सब जगह अदानी 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 अदानी। अच्छा एक और चीज हमें बताई गई, तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो दो तीन सवाल पूछते थे, ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं, मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं, पहले ये एक दो बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ वेट करो, हाँ धन्यवाद धन्यवाद, पोर्ट्स की बात भी थी, पोर्ट्स की बात भी थी, ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है से। ये 2014 में, ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल, पता नहीं जादू हुआ दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है, तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए, प्लीज पोस्टर माननीय सदस्य पब्लिक में, सर माननीय सदस्य पोस्टर प्लीज, पोस्टर नहीं, पोस्टर नहीं है सर, देखिए
आप बैठिए, एडमिट बैठिए, आप पोस्टरबाजी करेंगे तो इधर कहेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री का पोस्टर चिपकाएंगे। पोस्टरबाजी के लिए सदन नहीं है, आप बात है पोस्टरबाजी नहीं। स्पीकर सर वरिष्ठ सदस्य है, स्पीकर सर पोस्टरबाजी उचित नहीं है। स्पीकर सर पोस्टरबाजी उचित नहीं है, प्लीज। राजस्थान के मुख्यमंत्री चलिए पोस्टर नहीं प्लीज, वो लिख दे दो मुझे। जस्ट राइट इट नीटली। तो नहीं स्पीकर सर वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसमें बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है। उसके उनके उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है, अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज के प्रेसिडेंट्स एड्रेस में मैं थोड़ा जो नरेंद्र मोदी जी का और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। प्लीज प्लीज बताइए। तो